अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों का होस्ट अली और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त सा टूर। और मेरे इस टूर पे मैं आप लोगों को एक जर्नी पे लेके जा रहा हूँ जो मेरे जिंदगी की बहुत खास जर्नी है। जर्नी ये कि मैं बाइक का लाइसेंस कर रहा हूँ, लाइसेंस ए जो जर्मनी या यूरोप में आप समझ लें कि या ए होता है, बी है मेरे पास, ये होता है लाइसेंस बी, ये मेरे पास है। इससे मैं कार चला सकता हूँ, इससे मैं एक 50 की बाइक चला सकता हूँ और इससे मैं जो 50 तक चलने या 25 तक चलने वाले जितने भी ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी चला सकता हूँ। नहीं चला सकता तो मैं हैवी बाइक नहीं चला सकता, नहीं चला सकता तो मैं ट्रक नहीं चला सकता और काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं चला सकता, ट्रॉलर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें जो नहीं चला सकता। हम चलते आगे आगे, ये कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इंटरनेट में सर्च करा कि मेरे करीब 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 मेरे घर के करीब या मेरे सिटी के करीब जो भी अकेडमीज ऑफ लाइसेंस की, उनको सर्च करा, उनके प्राइस सर्च करे, हर किसी को टेलीफोन करा। तकरीबन मैंने 8 कंपनियों का अभी तक टेलीफोन करा, जिसमें से सिर्फ एक है जो मेरी समझ में आ रही है और वही मेरे घर के सबसे नज़दीक भी है। तो क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, इस वजह से मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं वहाँ तक जाऊँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कंटेंट है किस बारे में। मेरा कंटेंट है इस वक्त फ़िलहाल जो मेरा कंटेंट चलेगा वो तो मेरा लाइसेंस जो है उसका कंटेंट है, कि मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि ऐसे होता है ऐसे होता है। मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा कि जब जिस वक्त मेरी क्लासेज हो रही होंगी उस वक्त मैं दिखाऊँगा कि मैं कि टीचर्स कैसे चलाते हैं या कैसे सिखाते हैं यहाँ पर, ये सब होगा। सेकेंडली जो मेरा कंटेंट होगा वो होगा ट्रैवलिंग के बारे में, कि मैं ट्रैवलिंग करूँगा जब बाइक होगी इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग हो गए, बहुत सारे नए नए कल्चर्स को हम आप तक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा उस जगह पे जाऊँ, उस लैंडस्केप को देखूँ जो मुझे भी अच्छा लगता है और आप तक पहुँचाऊँ। तो ये मेरा कंटेंट है। मुझे घूमने का बहुत शौक है तो ट्रैवलिंग होगी इसमें, और बहुत सी नई नई चीज़ें होंगी जो हर किसी ट्रैवल करने वाले की काम आएगी। तो आप लोगों को मेरे साथ रहना है। अभी चलिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बताता हूँ, जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन पॉइंट है ये, उनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं एक नॉर्मल बंदे की। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बस सिर्फ बाइक और जो कार वगैरह है उसमें रहूँगा, क्योंकि इतना ही इंटरेस्ट है मेरा, इससे ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता। वैसे गूगल में पढ़ी भी आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग भी चलें। तो इधर अब हम आ गए यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरे पास फ़िलहाल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास फ़िलहाल क्लास बी है, ओल्ड या अल्टे ड्राई भी कैसे हैं उसको जर्मनी में, लेकिन ये एक ऐसी क्लास है जिसमें हम नॉर्मल कार चलाने वाले 3.5 टन तक हम कार चला सकते हैं। वो जो थोड़े हैवी डब्बे टाइप के होते हैं वो भी चल सकते हैं इससे। आपको एडिशनल उसमें हैवी बाइक लाइसेंस करना हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, बाकी दूसरे लोगों के लिए कोई दूसरे ऑप्शंस होंगे वो लोग आप प्लीज़ सर्च करिए। अच्छा जी, आप लोगों को रिक्वायर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर आपको ये सब कुछ करना है, ये भी मैं बता दूँ। एक पास फोटो की ज़रूरत होगी, एक फ़ोटो की, जो इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर आपकी न्यू आपका लाइसेंस बनेगा तो उस पर आपकी नई फ़ोटो लगेगी, जो पुराना आपका लाइसेंस था उसमें जो लगी है वो अब नहीं चलेगी। फिर आपको चाहिए एक आई साइट टेस्ट, ये कोई भी ऑप्टिकर कर लेता है या ये नॉर्मली वो लोग भी कर लेते हैं जो एस्ते हिल्फ कोर्स करवा रहे होते हैं, फर्स्ट एड कोर्स वाले, ये उस दिन भी हो जाता है, ज़्यादातर वो कर लेते हैं, इनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो भी कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक फर्स्ट एड कोर्स चाहिए होता है, एस्ते हिल्फ कोर्स, जो 9.5 आवर्स का होना ज़रूरी है, इसके तकरीबन 50 यूरो लगते हैं। एक एप्लीकेशन आपको किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस की वेबसाइट से मिल जाएगी या आप खुद जाके वहाँ पे पर्सनली जाके उस चीज़ को वहाँ से ले सकते हैं, वो मिल जाएगा। एक आपके पास अनमेल्डिंग मतलब रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप फारशूले में आप लोग जाते हैं, जिस लाइसेंस स्कूल में आप जाते हैं वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ये होती है रजिस्ट्रेशन पेमेंट। इसमें आपको ये होता है कि सिर्फ अनमेल्डिंग के आपको इतने पैसे देने होते हैं। अच्छा, ये हर शहर का अलग है, हर शहर और एक शहर में होते होते भी काफ़ी इसमें पैसे लगते हैं। तो मेरा ये सजेस्ट है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा जितने भी आपके करीब करीब के फारशूले हैं उनको, जिससे आप सेटिस्फाई हों, सिर्फ उसी के पास जाके अनमेल्डिंग कराएँ। ज़्यादा होते हैं, कुछ किसी के होते हैं 440, किसी के 450, किसी के 460, मैंने 395 दिए। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को पैसा
अगर आपको बचाना है तो आप प्लीज़ इधर उधर ज़्यादा सवालात करें और उनसे इन्फॉर्मेशन लें अपने करीबी फार्शूले से। टोटल अमाउंट जितनी भी मैं दूंगा वो होगी 500 यूरो, और उसके बाद फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मेरे पेपर्स सारे टेस्ट वगैरह चेक वगैरह हो के कि मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिस जो खिलाफ़ मेरे केस वगैरह चल रहा हो या ऐसा कुछ, या फिर ये कि मैं कार बहुत फास्ट चला रहा हूँ और उसमें मेरा फिर फ़ोटो वगैरह खींची और उसकी वजह से मैं मेरे ऊपर एक केस चल रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीज़ें इसमें टेस्ट चेक होती हैं। और फिर उसके बाद तकरीबन 8 से 10 हफ्ते लगते हैं कि वो सिर्फ कोरोना के ये सिचुएशन की वजह से ये है ज़रा लेट, वरना नॉर्मली 5 to 6 weeks लगते हैं, लेकिन इसमें 810 मेरे लगेंगे 8 से 10 हफ्ते मेरे फार्शूले में वो पेपर वापस आ जाए। जिस वक्त वो वापस आ जाएंगे उस वक्त मैं मुझे अलाउ है कि मैं थ्योरी दे सकता हूँ, थ्योरी का टेस्ट वो दे सकता हूँ, जो कुछ भी मैंने पढ़ा होगा, जितना कुछ भी मैंने अपने ऐप से बुक से या पीसी में बैठ के कंप्यूटर में बैठ के पढ़ा होगा वो मैं सब कुछ वहाँ पे देख सकता हूँ। एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बाद फिर मैं एबल होऊंगा कि मैं उसको टेस्ट को देख सकता हूँ। जब वो एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा तो फिर उसके कुछ अरसे बाद जब मैंने ड्राइविंग कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, और अच्छा हाँ प्रैक्टिस बाद आपको 12 आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स लगाने होंगे। इसमें कुछ आवर्स ऐसे हैं कि नाइट में चलाने, मेरे ख्याल से 2 आवर्स नाइट के हैं और 3 ऐसी दिन के हैं, 12 आवर्स आपको टोटल चलाने। जब आप 12 आवर्स चला लेंगे तो फिर आपका फार्शूले वाले जो आपके टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि आप कितने पानी में, ठीक है, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि हाँ आप क्या रेडी हैं उस टेस्ट को देने के लिए। अगर आप रेडी होंगे उनके मुताबिक तो वो फिर आपको प्रैक्टिस जो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके लिए वह आपको तैयार कर देंगे। अगर आप रेडी नहीं होंगे तो ये भी हो सकता है कि 12 तो आपको मस्ट हैं जो करने ही करने हैं, ठीक, 12 मस्ट हैं वो आपको करने करने, उसके आगे ये हो सकता है कि 8 आवर्स और वो लगवाएं ये चेक करने के लिए, आपको 100% श्योर करवाने के लिए कि हाँ भाई आप परफेक्ट हो गए हैं, अब आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि उस टेस्ट के भी कुछ पैसे लगते हैं, जो प्रैक्टिस होती है उसके भी कुछ पैसे लगते हैं और जो थ्योरी होती है उसके भी पैसे लगते हैं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आप इतने उस एग्ज़ाम के जो पैसे हैं वो आप 2-3 दफ़ा दें, तो आपको 100% करके ही ये चाहते हैं कि आप उस टेस्ट तक पहुँचें, उस एग्ज़ाम तक पहुँचें। खैर जितना जितना मैं आगे चलता रहूँगा और जितने जितने मैं पेमेंट करता रहूँगा वो मैं करूँगा। इस वक्त मेरा सबसे ख़ास जो मरहला है वो ये है कि मैं सारे पेपर्स ये कलेक्ट करूँ और उनको दे दूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि ये मार्च चल रहा है, मेरा एम ये है कि मैं 1 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। कल मुझे जाना है टेस्ट करने, आई सेट टेस्ट और ये एस्ते हेल्थ कोर्स मेरा कल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताता रहूँगा कि अब मेरे क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ एक और चीज़ बहुत ख़ास है, आपको बाइक के कपड़े भी लेने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आपको बाइक चलानी है कभी फार्शूले में या इसमें अकेडमी में तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने बाइक के गियर वगैरह लेकर आए, अपना हेलमेट, अपनी जैकेट, अपनी पैंट, अपने ग्लव्स एंड शूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जब आप होंगी सिर्फ तभी आप बाइक चला सकते। A few minutes later. जी तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को इतना पता चल ही गया होगा कि अब मैं आप लोगों को मोटो व्लॉग्स और काफ़ी घूमने फिरने की वीडियो लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को रहना है मेरे इस चैनल पे, मुझे सपोर्ट करना है, आप इसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा एंड कमेंट करके मुझे और भी बताइएगा कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। फिलहाल मैं आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे घर के करीब जितनी भी जगह है, जो खूबसूरत इलाका है, मैं वहाँ पर डिस्कवर करूँगा। मैं वहाँ के जितने करीब करीब अच्छे खूबसूरत झीलें होंगी, लेक जिसको कहते हैं जे, वहाँ जाऊँगा। कैसल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत, उन सबको आपको लोगों को दिखाऊँगा, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दूँगा उसके बारे में। मेरा मकसद ये होगा कि मैं आप लोगों को जो है वहाँ की खूबसूरती दिखाऊँ, तो आप लोगों को ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि मैं अपनी बाइक पर जा रहा हूँ, ये मेरी बाइक है जो सिर्फ 45 तक चलती है,
मैं कोशिश करता हूँ इसको और तेज़ चलाने की, लेकिन नहीं होता, और इतनी ही मुझे अलाव भी है, इस वजह से मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आएगा हैवी बाइक में, तो जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैं अब उसका लाइसेंस कर रहा हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है कि मैं ये करूँ या इस जगह पर जाऊँ, मैं फ़िलहाल हैसन सूबे में हूँ, मैं यहाँ पे कहीं भी मूव होके आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी जगह डिस्कवर कर सकता हूँ। अगर किसी को कोई भी अच्छी सी जगह पता है, कोई अच्छे से खूबसूरत सा लेक पता है या कोई भी खूबसूरत सा कैसल वगैरह पता है हैसन सूबे में, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं वहाँ पर मुझे जाना चाहिए और मुझे वहाँ पर क्यों जाना चाहिए, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।